हाँ बिल्कुल ले रखा है, कुर्बानियां दी हैं, उनकी तरह भगवान श्री राम को काल्पनिक नहीं बताया, उनकी तरह राम सेतु को काल्पनिक नहीं बताया, उनकी तरह भगवान श्री राम के अस्तित्व को नहीं नकारा। यूडीएच मंत्री बनने के बाद छाबर सिंह खर्रा गुरुवार को पहली बार सीकर आए। खर्रा का जयपुर की सीमा सरगोट से सीकर तक दर्जनों स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विभिन्न व्यापारी और सामाजिक संगठनों की ओर से स्वागत किया गया। जिला भाजपा की ओर से रामलीला मैदान में स्वागत समारोह का मुख्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा का भाजपा पदाधिकारियों की ओर से माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में खर्रा ने कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप स्वायत्त शासन और यूडीएच से भ्रष्टाचार को दूर करना पहली प्राथमिकता है। खर्रा ने कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा, आमजन को साथ लेकर बिना भेदभाव काम किया जाएगा। छाबर सिंह खर्रा ने कहा, निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए नवाचार किए जाएंगे, हर व्यक्ति की समस्या का निश्चित समय में समाधान करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मोदी, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, विधायक गोवर्धन वर्मा, सुभाष मील, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, तेज प्रकाश सेनी, महेश शर्मा, उप जिला प्रमुख ताराचंद दायल, पूर्व विधायक राजकुमारी शर्मा, गजानंद कुमावत, इंदिरा चौधरी, डॉक्टर बी एल रणवा, डॉक्टर देव सिंह चौधरी, डॉक्टर भजनलाल रोलन, डॉक्टर बलवंत सिंह चिराना, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया और पिपराली प्रधान मनभरी देवी, पवन जोशी, कमल सिखवाल, बाबू सिंह बाजोर, राजकुमार जोशी, विजय पाल खिचड़, परमेश्वर सेनी, बाबूलाल शर्मा, रमेश जलधारी, गोविंद सेनी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही स्वागत समारोह में सीकर शहर के प्रमुख व्यवसायी कैलाश मोदी, हुकमचंद तोदी, पुरुषोत्तम पांडे, सुधीर गर्ग, सुरेश अग्रवाल, शिव प्रसाद मोदी, कैलाश गोयल सहित अन्य व्यवसायी भी शामिल हुए। काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया, वो आज किस मुंह से कह रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में महंगे महंगे एक नहीं दर्जनों वकील खड़े करके और भगवान श्री राम के खिलाफ पैरवी करवाई थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को माना, उनके धर्म स्थान को माना, राम मंदिर बनाने का निर्णय दिया। इसलिए अब वो बोखलाट में कुछ भी कहते रहे, बपोती उन्हीं लोगों की है जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। ये आंदोलन आज भी 500 साल से चला आ रहा है, हजारों लोगों ने इसमें कुर्बानी दी है, कार्तिकों ने कुर्बानी दी है, बपोती उनकी है और उनकी विरासत भारतीय जनता पार्टी और दो हिंदूवादी संगठन को समाज। सर मोदी जी की गारंटी हर घर गांव गांव में जा रही है, क्या कहेंगे आप? मोदी जी की गारंटी जो गांव गांव जा रही है जी, उन्होंने अब तक जितनी भी गारंटियां दी हैं वो सब पूरी हुई है और भविष्य में भी जो गारंटी देंगे वो पूर्ण रूप से पूर्ण होंगे। परिसीमन परिसीमन वार्डों का परिसीमन की आपने बात की थी कुछ देर पहले स्वागत समारोह में, परिसीमन देखिए मैं कुछ बातें आपको पूर्ण स्पष्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो जो सूचनाएं मैंने मांगी हैं जब उसमें वास्तव में अगर अनियमितता है तो उसके मुताबिक फिर निर्णय लेकर जिन्होंने किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और नए सिरे से उस काम को। हाँ बिल्कुल ले रखा है, कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी तरह भगवान श्री राम को काल्पनिक नहीं बताया, उनकी तरह राम सेतु को काल्पनिक नहीं बताया, उनकी तरह भगवान श्री राम के अस्तित्व को नहीं नकारा। हमने भगवान श्री राम, हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर राम जिंदा है, इसलिए हम भगवान श्री राम के भक्त हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी मैंने आपसे एक निवेदन कर दिया, जब तक पूरी सच्चाई मेरे सामने नहीं आएगी मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा। जब सच्चाई मेरे पास पूरी सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगी, मैंने उनसे सूचनाएं मांगी है, मेरे पास सूचनाएं हैं, उनका मिलान करूंगा। अगर किसी अधिकारी ने गलत सूचना देने का प्रयास किया तो वो उसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार। छाबर सिंह खर्रा सब काम है जो चंदन की कोठरी बनाएंगे यूपीएस डिपार्टमेंट।
मैं मेरी पूरी क्षमता से इस मेरे विभागों की कार्य प्रणाली को पूर्ण से पारदर्शी बनाने के लिए जिस स्तर तक मुझे जाना पड़ेगा जाकर पारदर्शी बनाऊंगा। कि सीकर संभाग में विधानसभा चुनाव में जो कमी रह गई थी आने वाले मई में उस कमी की पूर्ति करते हुए संभाग की सभी लोकसभा सीटों पर भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने के लिए अभिषेक अमर कसले को लाभ दिलवाए और कैंप के बाद भी अपने गांव में अपनी बस्ती में पात्र लोगों को ढूंढकर उन्हें भी उन योजनाओं का लाभ दिलाने में लाभ दिलाकर इंसानियत की सेवा करने का फर्ज निभाएं। और उसके अलावा मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन और है आने वाले 22 जनवरी को जिस प्रकार हम दीपावली पर दीपोत्सव मनाते हैं उसी प्रकार घर घर में दीपोत्सव मनना चाहिए। क्योंकि बचपन से हम तो एक ही चीज सुनते आ रहे हैं कि जिसके अंदर राम है उसमें सदाचार सच्चाई न्याय और ईमानदारी है और जिसका राम निकल गया उसमें अनाचार अन्याय अत्याचार सब कुछ घुस जाता है। इसलिए भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए 22 जनवरी को निश्चित रूप से आप सभी दीपोत्सव सावलास मनाएंगे जिस प्रकार हम दीपावली मनाते हैं और पूरे विश्व को एक संदेश देने में कामयाब होंगे कि भगवान श्री राम हिंदुस्तान के जन जन के आराध्य हैं।